माह को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छहगांव माखन में पोषण थाली का विशेष आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को 9 माह तक किस तरह के खान पान होने चाहिए और किस तरह से खुद को और गर्भ में पल रहे शिशु को विशेष पोषण के माध्यम से स्वस्थ रखना है, इसकी भी विशेष जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के द्वारा दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिला जनसमूह को पोषण थाली तैयार करने की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को खुद को कुपोषण से और बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखने की शपथ भी दिलाई गई। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि न सिर्फ महिलाओं को बल्कि आंगनबाड़ी के बच्चों को भी कैसे स्वस्थ रखा जाए, इस संबंध में बालक बालिकाओं के बीच कई आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिस्पर्धाएं भी करवाई गई हैं। बाल विकास विभाग के अंतर्गत सितंबर महीने में पोषण माह का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत हमारे विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य के संबंध में जो गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण के स्तर में जागरूक करने के लिए विभिन्न तरीके की गतिविधियां आयोजित की गई। जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया गया। साथ ही जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे और बच्चियां रहते हैं, वो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गई। कुल मिलाकर इस अभियान का उद्देश्य यही था कि जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे रहते हैं, उनके स्वास्थ्य स्तर को बेहतर किया जा सके और शासन द्वारा जो भी चीजें की जा रही हैं उसके बारे में लोगों को अच्छे से अवगत कराया जा सके, ताकि वो भी अपने स्तर पर उन चीजों को अपने जीवन में अमल लाकर अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर परिणाम ला सके। इसीलिए हमारे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र थे उसमें विभिन्न गतिविधियां, रैली आयोजित करना, परिचर्चा आयोजित करना और जो दूसरी चीजों के माध्यम से उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम किया गया।